नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हुक्राम। पश्चिम बंगाल का रिजल्ट आ चुका है, उसके अलावा चार और राज्यों का भी रिजल्ट आ चुका है। ये सब आपको पता ही था और जैसे लोगों ने उम्मीद लगा रखी थी कि इसके बाद लॉकडाउन की कहीं ना कहीं घोषणा होगी, लॉकडाउन एक्सटेंड किया जाएगा। और पहली बड़ी खबर अभी मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ, वो आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहाँ पर पहले मंगलवार सुबह तक का लॉकडाउन था, अब उसे बढ़ाकर गुरुवार यानी कि जुमेरात, बृहस्पतिवार, थर्सडे की सुबह तक कर दिया गया है। यूपी में पंचायत चुनाव कल हो रहे थे, रिजल्ट आना था, पंचायत चुनाव पहले हो चुके थे, उसका रिजल्ट आना था, उसकी काउंटिंग लगातार चल रही है, तो आज पूरा वो रिजल्ट भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आधे से ज्यादा जगह क्लियर हो चुके हैं। जो पूरी तस्वीर एक तरफ से सामने आनी है वो आज शाम तक आ जाएगी और कल आप लोगों को अखबार में पढ़ने को मिल जाएगा कि कौन ज्यादा बाजी मार रहा है उत्तर प्रदेश में, बीजेपी, रालोद, सपा, बसपा, क्योंकि सब ने अपने कैंडिडेट अब पार्टी की तरफ से प्रधानी के चुनाव में, पंचायती चुनाव में खड़े कर रखे थे। अब हुआ है कि चुनाव हो चुके हैं, पश्चिम बंगाल में चुनाव हो चुके हैं और भैया यूपी के पंचायत चुनाव भी एक तरह से खत्म हो चुके हैं, तो लोगों ने जो आशंका जताई थी कि लॉकडाउन बढ़ेगा तो वो बढ़ चुका है और उसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से एक तरह से हो चुकी है। अब आप ये मान के चलिए कि आप यूपी में सिर्फ गुरुवार और शुक्रवार ही एक तरह से फ्री रहेंगे, उसमें भी आपको नाइट कर्फ्यू देखने को मिलेगा। उसके बाद जैसे कि वीकेंड का लॉकडाउन का ऐलान पहले से हुआ है सैटरडे संडे, और अभी एक्सटेंड वाला मामला है, ये कब तक चलेगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अगला जो अपडेट आएगा वो शुक्रवार को ही आएगा फिर जाकर कि ये लॉकडाउन वीकेंड रहेगा या कम किया जाएगा या फिर और ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको इस हफ्ते में राहत नहीं मिलने वाली, आपको राहत मिलेगी जाकर गुरुवार की सुबह, अगर आपको कहीं किसी और काम से जाना हो तो वो सारी काम आपके गुरुवार की सुबह ही होंगे। वैसे ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी में चालू वगैरह हैं, सारी चीज़ें हैं, काफ़ी इमरजेंसी में आपको सामान लेने जा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं जाकर भीड़ लगाएं। मार्केट पहले की तरह, जैसा भी इस लॉकडाउन में जो नियम है उसी तरह पालन आपको किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के लोग खासकर ध्यान दें कि आप लोगों के लिए एक बड़ी खबर है कि गुरुवार की सुबह तक अब लॉकडाउन को एक्सटेंड यानी कि दो दिन के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले मंगलवार की सुबह तक था, मंगल और बुध दोनों रहेगा और गुरुवार की सुबह जाकर खुलेगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जैसे लोगों ने उम्मीद जताई थी कि चुनाव होते ही लॉकडाउन एक्सटेंड किया जाना चाहिए, तो वो हो चुका है। हरियाणा में संपूर्ण एक हफ्ते का लॉकडाउन लग चुका है, वहां पर भी चीजें हो चुकी हैं, यानी लोग जो सोच रहे थे बिल्कुल वैसा होता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी खबर आ रही थी उत्तर प्रदेश से कि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन दो दिन का और एक्सटेंड यानी कि गुरुवार सुबह तक हो चुका है। दिल्ली में पहले ही घोषणा हो चुकी है, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं, सूत्रों की जहाँ से जानकारी आ रही है कि हो सकता है लॉकडाउन, हो सकता है, मैं कोई कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, कि 31 मई तक जाए, क्योंकि जिस तरह के हालात अभी हैं, कोरोना जिस तरह तांडव मचा रखा है, हम हर दिन इतने ज़्यादा केस देख रहे हैं, इतने ज़्यादा मौत देख रहे हैं, उसके बावजूद ये मान के चला जा रहा था कि एकमात्र उपाय अब सिर्फ लॉकडाउन है, ताकि ये कोरोना की जो चेन बन रही है लगातार ये किसी तरह टूटे और लोगों को कुछ राहत मिले। तो फिलहाल जो लॉकडाउन एकमात्र लास्ट ऑप्शन था उससे लागू किया जाना शुरू हो चुका है। आप लोग कमेंट कर सकते हैं, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। मिलता हूँ दोस्तों किसी और एपिसोड में।